सहन पुलिस द्वारा निरंतर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और उसमें अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी या उन्हें नैब करने के लिए भी चेकिंग की जाती है, जिसमें कि वाहनों की चेकिंग तथा जो पर्सनल हैं जो संदिग्ध हैं उनकी चेकिंग की जाती है। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है, जिसमें कि थाना चौक के पास से एक अपराध कर्मी को पिस्टल और चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ करने पर छानबीन के क्रम में एक अपराधी गिरोह का खुलासा हुआ, जिसमें कि उन अपराध कर्मियों को भी गिरफ्तार किया गया। कुल 4 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार, कुल 5 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया और एक अन्य अपराध कर्मी राकेश कुमार के पास से एक और देसी पिस्तौल बरामद किया गया और कुल 4 गोलियाँ बरामद की गई। कुछ मोबाइल बरामद किया गया, एक लूटा गया मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया। इसके अतिरिक्त पूछताछ के क्रम में खुलासा हुआ कि हाल ही में रेलवे GIP में एक चाकूबाजी की घटना हुई थी रेलवे कर्मी के साथ, उसमें भी राकेश कुमार कुछ अन्य अपराध कर्मी के संलिप्त होने के बारे में इन्होंने स्वीकार किया है। एक गैंग का खुलासा हुआ है, कुछ अन्य अपराध कर्मी भी इन लोग के साथ संलिप्त हैं विभिन्न घटनाओं में, जिनके बारे में छापामारी की जा रही है। उम्मीद है जल्दी ही उन्हें भी गिरफ्तार किया। लूटपाट करते थे शाम के समय में मुफस्सिल थाना क्षेत्र में, जो बाईपास वाला रोड बना है थोड़ा सुनसान रहता है, तो उधर ये लोग अड्डा जमाते थे और मौका देख के जो मोटरसाइकिल पे लोग जा रहे होते हैं उनसे चाकू दिखा के या फिर कट्टा दिखा के ये लोग लूटपाट की घटना के बारे में इन्होंने कबूल भी किया है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य घटनाओं के बारे में ये लोग बता रहे हैं कि इन्होंने किया है, लेकिन वो थाने में रिपोर्ट नहीं हुआ क्योंकि कम अमाउंट की लूटपाट की गई थी, इसलिए जो पीड़ित था वो थाने पर जाके कंप्लेन नहीं किया। लेकिन उम्मीद है कि ये गिरोह के पकड़े जाने से जो लूटपाट की घटनाओं में इजाफा हुआ था उसमें कमी आएगी।